हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन सीएनई द गुप्ता क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 4, दैट इज इन्वेंटरीज। लेट अस स्टार्ट इन्वेंटरी। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज एन इन्वेंटरी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह की हो सकती, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंसर्न्स। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स का मतलब है जो प्रोडक्शन करते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न मान लिया बेच दिया। तो इन कंसर्न के पास सिर्फ एक तरह की इन्वेंटरी होती है, दैट इज फिनिश्ड गुड्स। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के पास तीन तरह की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग CPT स्टूडेंट्स हो, यू आर रॉ मटेरियल फॉर द सी इंडस्ट्री। आईपीसीसी में आओगे, वर्क इन प्रोग्रेस के लाओगे, ना तो रॉ मटेरियल रहे ना फिनिश प्रोडक्ट बना। फिनिश प्रोडक्ट CS, वी आर द फिनिश प्रोडक्ट। फिलहाल आप रॉ मटेरियल है इस स्टेज में। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड द फिनिश प्रोडक्ट, तीन तरह की इन्वेंट्री है आपके पास। सेकेंड चीज, इन्वेंटरी किस वैल्यू पे शो करोगे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट इज कॉस्ट, सेकंड इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। कॉन्सेप्ट आप जानते हो, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। जिसका दूसरा नाम प्रूडेंस भी बोलते हैं, और AS2 रिवाइज्ड। तो AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो इन दो चीजों के कारण आप इनमें से जो भी मिनिमम होता है उस वैल्यू पे शो करते हो इन्वेंटरी को। रिमेंबर, प्रिंसिपल पूछेगा तो कंजर्वेटिव और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछेगा तो AS2। ओके, अब एनआरवी आप फाइंड आउट करते हो, दैट इज सेल्स प्रोसीड्स लेस एक्सपेंसेस फॉर सच सेल। इस सेल को करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस कर दो, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो रियलाइजेबल वैल्यू, आपके पास एक इन्वेंट्री है जिसकी मार्केट वैल्यू लेट 50,000 है, लेकिन अगर आप उसको मार्केट में बेचते हो तो 5,000 आपकी कॉस्ट होगी। तो 50,000 माइनस 5,000, दैट वुड बी 45,000। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगी 45,000। नाउ कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, हाउ टू एसर्टेन कॉस्ट, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो लेट हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट। अब सबसे पहले एक छोटा सा लॉजिक, कॉस्ट में परचेज और प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ऑल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री इनटू इट्स डेस्टिनेशन प्लेस और टू मेक इट सेलेबल। मींस आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल 5,00,000 का, वहां से आप अपने गोडाउन तक लेके आओगे, फैक्ट्री तक लेके आओगे, 1,00,000 रुपए ट्रक वाला लेगा, 6,00,000 का हो गया रॉ मटेरियल। तो वो जो एक्सपेंसेस हैं टू मेक दोस गुड्स अवेलेबल एट द प्लेस ऑफ देयर डेस्टिनेशन, वो इन ट्रांजिट कॉस्ट कहलाती है। वो कॉस्ट उसकी कॉस्ट में ऐड कर। फिर आपने कुछ टैक्सेस पे करे, वैट बोलते हैं उसको, आपने उस पे 5,00,000 का रॉ मटेरियल था, उस पे 50,000 वैट है, तो 5,50,000 आपने पेमेंट करी है, तो आपके लिए लेट वो कॉस्ट होगी 5,50,000। लेकिन उस 50,000 जो आपने वैट पे करा, उसका आपको आगे बेनिफिट मिल जाएगा। एक तरीके से गवर्नमेंट आपको पैसा वापस कर देगी। अगर गवर्नमेंट आपको पैसा वापस कर देगी तो उस चीज को आप कॉस्ट में काउंट नहीं करोगे। तो 5,50,000 माइनस 50,000 जो आपको रिफंड मिल जाएगा गवर्नमेंट से, तो 5,00,000 कॉस्ट।
लेट आपके किसी सप्लायर ने बताया 5 लाख का रॉ मटेरियल है, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% 50,000, तो आपको माल मिलेगा 4,50,000, तो कॉस्ट हो गई 4,50,000। रिमेंबर, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, अब सारा रॉ मटेरियल एक ही दिन में तो यूज होगा नहीं, उस रॉ मटेरियल को आप स्टोर भी करोगे। स्टोरेज कॉस्ट कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में एड नहीं होती, अनलेस एंड अंटिल वो कॉस्ट उसकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल हो, या मार्केट वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल हो। फॉर एग्जांपल चावल, आपने भी चावल राइस खरीदा, चावल जितना पुराना होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, तो आपने चावल थोड़े दिन स्टोर करके रखना चाहते हो ताकि उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, मार्केट में अच्छा एप्रिसिएशन मिले, प्राइस कुछ ज्यादा मिले आपको। रिमेंबर, नॉट द ब्लैक मार्केटिंग, सिर्फ होल्ड इसलिए कर रहे हो ताकि उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, तो वो स्टोरेज कॉस्ट उस इन्वेंटरी की वैल्यू में ऐड होगी, कॉस्ट में ऐड होगी, क्योंकि उससे उसकी मार्केट वैल्यू एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही। लेकिन इसके अलावा कोई कॉस्ट, सिर्फ नॉर्मल स्टोरेज कॉस्ट ऐड नहीं हो सकती जिससे उसकी एफिशिएंसी या मार्केट वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो कॉस्ट, परचेज और प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ऑल एक्सपेंसेस प्लस ऑल टैक्सेस, अगर रिफंड मिलेगा तो माइनस कर देंगे वो टैक्सेस, कॉस्ट में काउंट नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, माइनस करो। नाउ हाउ टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय डिफरेंट मेथड्स, तो देखते हैं वो मेथड और कैसे डिफरेंट वैल्यू आप अचीव करते हो उनसे, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज, जब बिजनेस थोड़ा बड़ा होता है तो आपके पास होता है एक स्टोर रूम, एक होता है प्रोडक्शन हाउस। तो रॉ मटेरियल जो आता है वो स्टोर रूम में आता है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो एक बिल बना के देगा स्टोर रूम को, उस बिल के बेसिस पे ये इसको रॉ मटेरियल इशू करेगा। इशू तो रॉ मटेरियल जो इशू करेगा स्टोर रूम प्रोडक्शन हाउस को, तो इशू वर्ड का मतलब, तो स्टोर रूम में एक तो रॉ मटेरियल आया परचेज, इशूड का मतलब कंज्यूम, तो परचेज में से इशू माइनस करोगे तो आपके पास आएगी बैलेंसिंग फिगर, दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। तो अब रॉ मटेरियल इशू जो किया है उसकी कॉस्ट माइनस करो और बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक, तो देखिए कितने कितने मेथड्स हैं। फर्स्ट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, समझे? परचेजेस में लिख रहा हूं वैसे इसको रिसिप्ट लिखते हैं, तो रॉ मटेरियल रिसीव करना इशूड बैलेंस। लेट 1 जनवरी को 100 यूनिट्स 10 रुपीज के हिसाब से, तो बैलेंस 100 यूनिट्स 10 रुपीज के हिसाब से 1000। सेकेंड जनवरी को फिर 100 यूनिट्स 15 के हिसाब से 1500। तो 100 यूनिट्स 10 रुपीज के हिसाब से और 100 यूनिट्स 15 के हिसाब से, नाउ दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट है उसकी। अब ले 3 जनवरी, आपने इशू करा 80 यूनिट्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले खरीदा है वो वाला रॉ मटेरियल आप पहले इशू करो उस वैल्यू का, तो 80 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से आपने इशू कर दी 800।
ओके। तो इसमें से 80 यूनिट्स इश्यू हो गई, 20 यूनिट्स 10 रुपए वाली 200, 100 यूनिट्स 15 रुपए वाली 1500, 120 यूनिट्स 1700। अगेन लेट 4th ऑफ जनवरी को फिर आपने 100 यूनिट्स खरीदी 20 रुपीज के, नो इशू। तो 20 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट्स 15 के हिसाब से 100 यूनिट्स 20 के हिसाब से। नाउ 4th ऑफ जनवरी इशू आपने इशू करी है 150 यूनिट्स। अब 150 यूनिट्स में 20 यूनिट्स तो ये वाली जाएगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे पहले खरीदा है सबसे पहले वो इशू होगा। बची 130 या लेट 110 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स तो इसमें से जाएंगी और 90 इसमें से। तो ये 20 खत्म, 100 में से 90 चली गई, 10 बची। हंड्रेड यूनिट्स 20 के हिसाब से, 110 यूनिट जो बच गई उसकी वैल्यू है 2150। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे पहले खरीदोगे सबसे पहले वो इशू करोगे। तो अगर यहां से इशू कर रहे हो तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नीचे से बचेगा, मींस आपके पास 110 यूनिट्स बची हैं, तो नीचे से देखें 100 यूनिट्स यहां से बची होंगी और 10 यूनिट्स यहां से बची होंगी। तो देखें 100 यूनिट्स 20 रुपए वाली बची हैं और 10 यूनिट्स 15 रुपए वाली बची है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में छोटा सा लॉजिक, आप इतना बड़ा चार्ट नहीं बनाओगे। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंग आपको कहा जाए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो, परचेज 300 यूनिट्स, इशूड 190, तो बची 110 यूनिट्स। तो ऊपर से इशू ही होंगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो नीचे से क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, तो 110 यूनिट्स, 100 ये वाली और 10 ये वाली। तो आपको चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डेट्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नीचे से कैलकुलेट कर दो 110 यूनिट्स। सिमिलरली लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो बाद में खरीदा है पहले वो इशू करो, तो देखें क्या चेंजेस आएंगे। देखें चेंजेस, अब 80 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से इशू कर रखी है आपने, जो पहले खरीदा था पहले वो इशू हुआ, तो आपने ये दो यूनिट्स परचेज कर रखी हैं, बाद में कौन सा खरीदा ये, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले इसमें से इशू करोगे। अब आप जो इशू करोगे वो इशू करोगे 80 यूनिट्स 15 रुपीज के हिसाब से, तो इसमें से इशू होगा पहले, तो इसमें से 80 यूनिट्स इशू हो गई, इट मींस बैलेंस 100 यूनिट्स पूरी, इसमें से 80 यूनिट्स इशू हो गई बची 20, तो कौन सी यूनिट आपने पहले इशू करी है उसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में एक चेंज आएगा। ओके, अब आपने 100 यूनिट्स परचेज करी 20 रुपए के हिसाब से, तो 100 10 के हिसाब से, 20 15 के हिसाब से, 120 के हिसाब से, ये आपके पास बैलेंस है। अब आपने इशू करी है 110 यूनिट्स,
ओके 110 यूनिट्स में लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन, तो 100 यूनिट तो यहां से जाएंगी और 10 यूनिट्स यहां से जाएंगी, 100 यूनिट्स यहां से जाएंगी और 10 यूनिट्स यहां से जाएंगी, तो 100 यूनिट्स 20 रुपीस वाली और 10 यूनिट्स 15 रुपीस वाली, और लेट लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो बैलेंस 100 यूनिट्स 10 रुपीस वाली ट्वेंटी यूनिट्स फिफ्टीन रुपीस वाली टेन यूनिट्स ट्वेंटी वाली। नाउ दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट में आपने जो पहले एक मेथड में वो जो केस सीखा है कि ऊपर से इशू हुई तो नीचे से क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो, वो चीज सिर्फ उसी मेथड में लग सकती है और किसी मेथड में। फॉर एग्जांपल 300 यूनिट्स थी, 80 और 90, 170 इशू करी तो बची 130। अब 130 यूनिट्स अगर आप कहो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट से इशू हुई है तो शुरू से 130 काउंट कर लो, तो 100 यूनिट्स ये वाली और 30 यूनिट्स ये वाली, रॉन्ग। देखिए आंसर टैली नहीं करेगा क्योंकि इसके हिसाब से लास्ट ये है तो इसमें से इशू हुआ होगा, इसके हिसाब से लास्ट ये है तो इसमें से पहले इशू हुआ होगा, तो डेट के हिसाब से एक इंपैक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ पहले मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपको डेट वाइज प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट से कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा जितने भी मेथड्स आप कर रहे हो उन सब में डेट वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो फीफो लीफो नाउ वेटेड एवरेज, देखिए वेटेड एवरेज कैसे यूज करते हैं। के हिसाब से 2000
3500. तो 3500 अपॉन 220, व्हाट वुड बी द प्राइस? तो ये कुछ 16 रुपए, 16.5 रुपए कुछ ऐसे आएगा। अब उस वैल्यू पे इशू करेंगे हम, लेट 5th जनवरी को 100 यूनिट्स इशू करें। तो आंसर, इतने रुपए की यूनिट्स आपने इशू कर दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो बैलेंस 220 में से 100 गई, बची 120, इनटू में ये वैल्यू है। तो जब तक आप नई परचेज नहीं करोगे तब तक पर यूनिट वैल्यू यही रहेगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट यही रहेगी, इसी वैल्यू पे आप इशू करते रहो। तो इसमें भी टाइम के हिसाब से फर्क पड़ेगा, तो आपको टाइमली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पेपर में, तब आंसर लिखना होगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और दैट इज वेटेड एवरेज। देन सिंपल एवरेज, देखिए सिंपल एवरेज, आपने 300 यूनिट्स परचेज की, 180 यूनिट्स इशू की, तो 120 यूनिट्स क्लोजिंग बैलेंस है। सिंपल एवरेज में आप प्राइस लेते हो, सिर्फ प्राइस, तो 10, 15, 20 कितनी बार है, तो सिंपल एवरेज फाइंड आउट कर दो इनकी, और इनकी एवरेज आ गई 15। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 120 यूनिट्स 15 रुपए के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो। तो बहुत ही सिंपल मेथड होता है सिंपल एवरेज मेथड। तो फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। एक चीज और आप करोगे, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जब स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनमें कुछ स्पेसिफिक मेथड्स लगते हैं, क्योंकि वहां पे ये मेथड्स लगा पाने नामुमकिन चीज है। फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टोर, लेट आपको कहा जाए कि एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर है जहां पे दाल चावल साबुन आटा सब मिलता है, आप उसमें जाके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर दो, कर ही नहीं सकते आप। चावल 20 तरीके का है, कोई 10 रुपए किलो, कोई 20 रुपए किलो, कोई 50 रुपए किलो, कोई 100 रुपए किलो, किसी की क्वांटिटी 200 किलो है, किसी की क्वांटिटी 50 किलो है, किसी की क्वांटिटी 60 किलो है, तो उसी की वैल्यूएशन लगाने में दिन और साल खत्म हो जाएंगे। इम्प्रैक्टिकेबल चीज है, वो चीज आप वैल्यू नहीं कर सकते, फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो इन इंडस्ट्रीज में कुछ स्पेसिफिक मेथड यूज होते हैं, तो एक मेथड आप सीखोगे, दैट इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट्स, और इसके अलावा जो कुछ भी मेथड्स हैं वो आप आईपीसीसी में सीखो। इनकम टैक्स एक्ट आईपीसीसी में आएगा आपको। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का एक तरीका दिया जाता है, उसके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का अपना तरीका है, हर एक चीज की वैल्यूएशन करने का कॉन्सेप्ट दिया है। ये नहीं कि आपने जो वैल्यूएशन लिख दी वही मान लेगा, उसी हिसाब से प्रॉफिट पे टैक्स देगा, नहीं, वो कैलकुलेट करके बताएगा कि इस चीज की वैल्यू इतनी है, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आएंगे उस पर टैक्स दोगे आप। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ दो मेथड एप्लीकेबल है, दैट इज फीफो, वेटेड एवरेज। AS2 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग भी यही दो मेथड्स फॉलो कर सकते हो आप।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन वेटेड एवरेज। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछ सकता है एएस टू रिवाइज के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड स्पेसिफाइड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज, इसके अलावा कोई और मेथड आप यूज नहीं कर सकते। Now, so guys, आज हमने कुछ सीखा इन्वेंट्री कैसे कॉस्ट एसर्टेन होती है, उसकी कॉस्ट कैसे इश्यू करते हो, किस किस वैल्यू पे करते हो, उसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज होती जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद पूरा चैप्टर के क्वेश्चन जो एट द एंड है। विभिन्न मीटिंग आ नेक्स्ट क्लास, लेकिन किसी ने कुछ स्टूडेंट्स ने हमने कुछ पूछा है कि लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट की लाइफ के बारे में अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो सुने। द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट इज फुल ऑफ केयर, वी पिक अप बुक्स फ्रॉम एवरीवेयर, इन हिस्ट्री द क्वेश्चंस ऑफ डेट आर यूज्ड, इन लर्निंग देम वी गेट कंफ्यूज्ड, द ग्रेप्स ऑफ इंग्लिश आर सोर, वी कांट गेट मार्क्स मोर देन 4, In maths, we do the sum of angles. In solving them, our mind get entangled, confused. Tears are in our eyes by knowing that examinations are near. Or we can say, our eyes are full of tears by knowing that examinations are near. So bye guys, we will meet in our next class.